अब बात राजस्थान की सियासी लड़ाई की। राज्यपाल ने विधानसभा सत्र बुलाने की परमिशन दे दी है। विधानसभा सत्र की मंजूरी को लेकर गहलोत सरकार और राजभवन में पिछले कई दिनों से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था। राज्यपाल ने कल 14 अगस्त से विधानसभा का सेशन बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे पहले राज्यपाल कलराज मिश्र को गहलोत कैबिनेट ने 3 बार प्रस्ताव भेजा था, जिसे राज्यपाल ने लौटा दिया था। राज्यपाल ने कोरोना गाइडलाइंस के पालन की एडवाइजरी के साथ विधानसभा के सेशन को बुलाए जाने की मंजूरी दी है। 14 अगस्त से विधानसभा का सत्र अब बुलाया जाएगा। ये 3 तस्वीरें राजस्थान के मौजूदा सियासी हालात को बता रही हैं। कांग्रेस के बागी सचिन पायलट ने ऐसी लड़ाई शुरू की है जो रिजॉर्ट और गवर्नर हाउस से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। एक तरफ गहलोत सरकार के विधानसभा सत्र बुलाने के प्रस्ताव को राज्यपाल ने मंजूर कर लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ विधानसभा स्पीकर CP जोशी एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। गहलोत सरकार की लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार राज्यपाल कलराज मिश्रा ने विधानसभा सत्र बुलाने की मंजूरी दे दी है। 14 अगस्त से विधानसभा का सत्र बुलाया गया है। गहलोत सरकार ने राज्यपाल को प्रस्ताव भेजा था। हालांकि राज्यपाल ने सत्र के दौरान कोरोना से बचाव के जरूरी उपाय करने के लिए भी कहा है। विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर बीते कुछ दिनों से राज्यपाल और CM गहलोत में जंग चल रही थी। CM गहलोत जहां सत्र बुलाने पर अड़े थे, तो वहीं राज्यपाल सरकार के प्रस्ताव को अस्वीकार कर रहे थे। नौबत यहां तक आ गई थी कि गहलोत गुट के विधायकों ने राजभवन में धरना तक दे दिया था। इस बीच तेजी से बदलते घटनाक्रम के बीच राजस्थान विधानसभा के स्पीकर CP जोशी एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। स्पीकर ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में हाईकोर्ट के 24 जुलाई के फैसले को चुनौती दी गई है। यह मामला 19 बागी विधायकों को अयोग्य करार देने से जुड़ा था। हाईकोर्ट ने बागियों को राहत दी और यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे। स्पीकर ने अपनी याचिका में इस फैसले को असंवैधानिक बताया है और इसे स्पीकर के कामकाज में सीधा हस्तक्षेप बताया है। अब राजस्थान का सियासी रण एक बार फिर से दिलचस्प मोड़ पे पहुंच गया है। नजरें एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पर है। देखना होगा कि कोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाता है। क्या बागियों को मिली राहत बरकरार रहती है या फिर उन पर गाज गिरती है। मनीष भट्टाचार्य, इंडिया TV, जयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मॉरिशस को एक बड़ा तोहफा देने वाले हैं। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट की नई इमारत का उद्घाटन करेंगे। इस बिल्डिंग का उद्घाटन PM मोदी मॉरिशस के PM प्रवीण जगन्नाथ के साथ संयुक्त रूप से करेंगे। भारत के विदेश मंत्रालय के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की ये नई बिल्डिंग भारत और मॉरिशस के रिश्तों में एक नए अध्याय की तरह होगी। आपको बता दें कि मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट की इस नई बिल्डिंग को बनाने में भारत ने वित्तीय मदद के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी मदद की है। 2016 में भारत ने विशेष इकोनॉमिक पैकेज के तहत मॉरिशस को $353 मिलियन दिया था, उसी में से ये बिल्डिंग भी बनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट का ये नया भवन 4,700 स्क्वायर मीटर के एरिया में फैला हुआ है। और अब देखिए आज सुबह की हेडलाइंस।